मोशन अंडर ग्रेविटी पे चर्चा कर रहे थे हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सारे क्वेश्चन बना रहे हैं ना, बन जा रहा है सेगमेंट का, तो अच्छा बात है। कुछ क्वेश्चंस में कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को मैं डील कर देता हूँ, फिर उसके बाद बात करता हूँ ना। जैसे मैं मान लेता हूँ कि किसी भी मैकेनिज्म से हो सकता है, याद है ना, बैलून ऊपर जाता है, गैस के जरिए भरा हुआ रहता है बैलून, तो बैलून ऊपर जा रहा है, ठीक है। मान ले किसी भी मैकेनिज्म से, एक यहाँ पे इंसान खड़ा है, ऑब्वियस है, अगर ये बैलून जा रहा है ऊपर, कुछ ही कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो सकता है एक्सेलेटेड भी रहा हो, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा सकता है या तो एक्सेलेटेड भी हो सकता है ना। मान लेते तो कोई वेलोसिटी भी कांस्टेंट इस वेलोसिटी से जा रहा है, और मान लेते तो यहाँ पे कोई इंसान बैठा हुआ है, तो अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी, कुछ बात तो एकदम याद रखिएगा, जैसे क्लैरिटी आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि रेन ड्रॉप्स की अगर बात कर रहे हैं, जैसे आप सोचो कि आइस क्यूब, अगर आइस बाहर से गिर रहा है, मतलब आसमान से आइस गिर रहा है, तो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से आएगा? कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से आएगा, समझ में आता है? तो रेन ड्रॉप्स अगर ऊपर से आ रहा है, ऊपर से, तो नीचे आना चाहिए तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से आना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से आना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, तब तो और ज्यादा स्ट्राइक करना चाहिए। नहीं, गलत धारणा है ना, याद रखना, जब भी रेन ड्रॉप्स अगर आता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आता है ना वो, समझ में आ रहा है? आप सोचिए कि अगर वाटर को फ्री फॉल करा रहे, ठीक है, वाटर तो फ्री फॉल अगर आएगा तो ऑब्वियस है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगना चाहिए और आना भी चाहिए, तो एक्सेलेट होते रहता। सोचो अगर एक आइस गिरा तो कितना स्पीड से ग्राउंड पे आता, तो टकराता, मतलब काफी था आपके सर को तोड़ने के लिए। अगर थोड़ा सा बड़ा अगर हो जाता, आता तो है, इतना इतना तो चंक आने ही लगता है, तो उतना तो काफी है आपके सर को फोड़ने के लिए, लेकिन वो एक्सेलेटेड नहीं आता है ना। याद रखिए, रेन ड्रॉप जो होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है। रीजन सिंपल है इसके पीछे, रीजन क्या है तो याद रखना, उस पर बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे, जब आ रहा होगा तो उस पर विस्कस फोर्स लगता है ना, तो विस्कस फोर्स ऊपर लगने लगेगा तो एक्सेलेरेशन को बैलेंस कर देता है ना। तो इसके बाद, आज के बाद याद रखना कि रेन ड्रॉप्स जब भी आता है तो रेन ड्रॉप्स एक्सेलेटेड नहीं होता है, रेन ड्रॉप्स क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ग्राउंड की तरफ आता है ना, याद रखोगे? अच्छा, अभी बैलून जा रहा है, बैलून जा रहा है किस स्पीड से जी बाबू? भी स्पीड से ऊपर जा रहा है। अगर मैं मान ले तो आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, तो ऑब्वियस है, अगर सोचो जरा, यहाँ ग्राउंड से चला है वो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो किसी सर्टेन इंस्टेंट पे कुछ हाइट पे पहुंच गया होगा ना जी, कुछ हाइट पे चला होगा वो, हाइट मान ले तो कुछ भी हो सकता है, ये हाइट पता चल गया। और अगर यहाँ से अगर एक मान लेते हैं कुछ भी हो सकता है, आप बॉल गिरा दिए, यहाँ से एक बॉल गिरा रहे हैं या कोई एक स्टोन गिरा रहे हैं, ये स्टोन को ड्रॉप कर रहा है, स्टोन को क्या कर रहे हैं आप, ड्रॉप कर रहे हैं, एक स्टोन है जिसको आपने क्या किया, ड्रॉप करा, तो आपको क्या लगेगा कि मैं तो ड्रॉप करा हूँ, उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो। लेकिन वाकई में ग्राउंड से देखो तो उसका वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये जो बॉल ड्रॉप करा रहे हो आप, आपके रेस्पेक्ट में बॉल ड्रॉप हुआ है, इसके पास भी वही वेलोसिटी रहेगा जो बैलून के पास था, समझ में आ रहा है ना, जो बैलून के पास था, कोई दिक्कत? तो ये क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ वाला जो इंसान ऑब्जर्व करेगा, जो ग्राउंड फ्रेम में बैठा हुआ वो ऑब्जर्व करेगा, तो उसके लिए इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा बाबू? तो ग्राउंड फ्रेम से जो देखेगा उसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, बॉल ऊपर जाएगा। अरे ठीक है, बॉल ऊपर जा रहा होगा, और आराम से क्या होगा, फिर वापस आएगा, क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है वहां पे, जीरो, उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है वहां पे, जीरो, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगा ना। और यहाँ मान लेता हूँ किसी वेलोसिटी चल रहा था, छोड़ो ना, फाइनल वेलोसिटी मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। किस वेलोसिटी से जा रहा है, यू वेलोसिटी, भी वेलोसिटी से जा रहा था, तो वेलोसिटी भी ही रहेगा, समझ आ रहा है, इसी को याद रखिएगा। लेकिन अगर ये वाला, ये इंसान के फ्रेम से देखिएगा तो बॉल सीधे किधर ना जा, नीचे आ रहा होगा, नीचे, क्योंकि ये तो जा रहा होगा ऊपर ना जी, समझ में आ रहा है? तो इस कंसेप्ट को याद रखना, अगर बॉल को ये ड्रॉप करा रहा है, कौन, ये बॉल को ड्रॉप कराया, ये बैलून, ये कोई भी मैकेनिक हो सकता है, पैरासूट हो, बेल आउट करने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चन में आप लोगों का दिया हुआ है, तो ये अगर जा रहा है ऊपर तो क्या होगा,
बॉल को अगर ये ड्रॉप करा रहा है तो इसके लिए इसका लग रहा है कि वेलोसिटी जीरो होगा, होना भी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होना चाहिए क्योंकि ये भी वी वेलोसिटी से जा रहा है ऊपर और अभी ये वी वेलोसिटी से है, तो ये जैसे जैसे जाएगा तो इसके लिए तो रेस्ट में ही नजर आएगा जी। लेकिन ये कितना देर बाद रेस्ट में आ जाएगा तो पता चल जाएगा ना आपका, कितना देर बाद रेस्ट में आ जाएगा यू बाई जी। अरे कितने देर बाद रेस्ट में आएगा पता चल गया ना डायरेक्ट, यू बाई जी टाइम के बाद रेस्ट में आ जाएगा। तो इसके लिए ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, ऐसा ही ना, इसके लिए भी ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट ही लाइन होगा, इसमें कोई शक नहीं है अगर ड्रॉप कराया गया है। लेकिन देखने का मतलब क्या होगा, ये जो देखेगा वो देखेगा कि बॉल यहाँ से पहले जब उसको छोड़ा है बॉल को तो बॉल ऊपर गया है, धीरे धीरे क्या होगा ऊपर गया होगा, इसका वेलोसिटी घटा होगा और उसके बाद नीचे आया होगा। मतलब यहां तक अगर बॉल इसके अंदर था, बॉल अभी था तो ये इसका वेलोसिटी भी था, तो मैकेनिज्म से जा रहा था ना जी, अरे कोई फ्यूल होगा या गैस भरा रहता है बैलून में उसकी वजह से जा रहा है। लेकिन ये फिर उसके बाद क्या हो गया, ये मोशन अंडर फ्री फॉल का ना केस हो गया फिर जी। एक कौन सा केस आ गया, मोशन अंडर फ्री फॉल, मतलब यहाँ पे कौन फिर आ जाएगा एक्शन में, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना आ जाएगा, बात समझ में आ गया। देखिए तो एक क्वेश्चन, अ पैरासूटिस्ट बेल्स आउट, अ पैराशूटिस्ट बेल्स आउट एंड फॉल्स फॉर 5 मीटर, अ पैराशूटिस्ट बेल्स आउट एंड फॉल्स फॉर 5 मीटर्स, अ पैराशूटिस्ट बेल्स आउट एंड फॉल्स फॉर 5 मीटर्स व्हेन हिज पैराशूट ओपेंस द डिसलरेशन नाउ प्रोड्यूस्ड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द डिसलरेशन नाउ प्रोड्यूस्ड इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फुल स्टॉप। इफ ही रीचेज द ग्राउंड विथ जीरो वेलोसिटी एट व्हाट हाइट Did he bail out? Options है 50 meter, 55 meter, 45 meter और 100 meter। बनाइए अच्छे से, उसके बाद बात करेंगे, डिस्कशन चलेगा ये सब पे ना, बनाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन पता चला आप लोगों को, ये सब आसान सा क्वेश्चन होता है ना, बस सोचना है केवल। देखो पैराशूट बेल्स आउट मतलब पैराशूट क्या आया जी, वो आया, समझ में आ रहा है, तो ऑब्वियस है ये कुछ जिक्र नहीं करा गया है ना, लेकिन इतना तो पता है कि 5 मीटर तक वो चला है ना। बेल्स आउट का मतलब क्या, जंप कर जाना होल्डिंग में, मतलब फोल्ड अभी खोला नहीं है ओपन पैराशूट ना, समझते हो ना, तो पैराशूट लेकर के जंप करा, कितना मीटर तक जंप कर गया वो, 5 मीटर तक। तो 5 मीटर तक वो मोशन अंडर फ्री फॉल ना रहा होगा, ये 5 मीटर जो आया है मोशन अंडर फ्री फॉल केस वाला रहा है ना, कोई दिक्कत। अच्छा तो अगर यहाँ पे पैराशूट की अगर बात करोगे, पैराशूट के साथ आया है वो इंसान, तो इंसान जो आया वो मोशन अंडर फ्री फॉल में आया होगा, बताए इसका वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ना इसका मतलब, अरे पैराशूट लेकर के जंप कर गया यार, दैट इज बेल आउट और क्या, समझ में आ रहा है। अब पैराशूट खुलता है उसके बाद में धीरे धीरे आता है, और गलती से नहीं खुला तो पता ही कहाँ चला जाता है इंसान, अरे समझ में आ रहा है ना, खुलेगा खुलता है तो फिर क्या होता है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, क्लियर है ना। तो 5 मीटर तक ऐसे ही रहा। अब यहाँ पे बताइए, इसके बाद बोलता है कि जब ग्राउंड आया, ग्राउंड पे स्ट्राइक करा, तो इस समय इसका वेलोसिटी कितना हो गया, यूजुअली जीरो होता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे जीरो हो रहा है तो इसका मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी कितना रहा, जीरो। अरे यही ना, तो पूछा है कि कितने दूर से या कितने हाइट से वो जंप करा था ना, तो जरूरत से ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया ना ये। अब बताइए यहाँ पे इसको सोचो जरा, हालांकि ये केस इसमें नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया गया तो दे दिया गया, यहाँ पे वेलोसिटी कितना आ जाएगा सारा बताओ, यहाँ एस कितना है, इस दौरान यहाँ से यहाँ का जर्नी कितना रहा, उस दौरान 5 मीटर कवर करा, अरे कवर करा, बताओ यू तो जीरो है, मुझे भी चाहिए, क्या चाहिए मुझे भी, अरे यहाँ भी, और एक्सेलरेशन कितना है अभी, माइनस जी, यही ना एक्सेलरेशन रहा, क्योंकि जब भी गिरेगा बेल्स आउट कर रहा है पर्सन, तो कौन उसको नीचे ला रहा है, अरे अर्थी तो बुला रहा है सेंटर की तरफ ना,
कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको माइनस जी को कितना ले सकते हैं आप? माइनस 10 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए क्या मिसिंग है सारा, बताओ इसमें कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं? वेरी गुड, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी कितना है जी? निकालना है। यू कितना? जीरो। और 2a एक्सेलरेशन कितना? माइनस जी। और डिस्प्लेसमेंट नीचे ले रहे हैं इसलिए इसको माइनस 5 ले सकते हैं, समझ में आ रहा है? माइनस 5, तो जी को तो माइनस 10 लेते हैं ना, तो डायरेक्ट लिख दूं, यही ना हो गया जी। तो बताओ वी किसके बराबर रहा बताइए? अंडर रूट 100 हो गया क्या? तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखो इतना भी करने की जरूरत नहीं है आपको, बताया गया मोशन अंडर फ्री फॉल पढ़ाया कि h डेप्थ कवर करने के बाद उसका वेलोसिटी कितना होता है, याद है ना? वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 2gh बताया गया है ना केस में, याद कीजिए। h डेप्थ कवर करने के बाद वेलोसिटी कितना होता है? अगर ड्रॉप कराया गया है तो 2gh लिखा है, बताया गया है कि नहीं? तो डायरेक्ट करेंगे वहां पे, लेकिन यहां समझाना इसलिए मैं बता दिया, ठीक है? तो कितना रहा? 10 मीटर पर सेकंड। अब यहां पे क्या रहा? वेलोसिटी देखिए, यहां से अब जो आ रहा है वो क्या रहा? 10 मीटर पर सेकंड रहा, कोई दिक्कत? अब यहां पे आते आते इसका वेलोसिटी जीरो हो गया, कह ही रहा है कि यहां आते आते इसका वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। मतलब वी डैश बोल दे रहा हूं, वी डैश जीरो, उसको वी मान लिया इसलिए वी डैश इसको बोल दिया जीरो। अब बताओ सारा क्या हो गया, बताइए यहां क्या क्या गिवन है बताओ? इसके लिए u इनिशियल वेलोसिटी यही रह गया ना, कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ u डैश लिख दे रहा हूँ। इसके लिए इनिशियल u डैश कितना रहा? प्लस 10 या माइनस 10? माइनस 10। चलो एक्सेलेरेशन बताओ कितना? माइनस, एक्सेलेरेशन कितना? माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? अच्छा s निकालना है आपको, और v डैश दिया हुआ है कितना? फिर से अगर बात होता तो यही इक्वेशन यूज कर लेते कि नहीं, कर लेते कि नहीं? नहीं कर पाते ना, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो है, यहाँ तो कुछ वेलोसिटी है ना, तो ध्यान देना है सब। अब बताओ क्या मिसिंग है अभी? टी, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? तो वी डैश यू डैश का होल स्क्वायर प्लस 2a s डैश कर दे रहा हूँ, ये भी s डैश कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताए वी डैश कितना? तो जीरो हो रहा है ना फाइनल वेलोसिटी जी। यू डैश कितना है? माइनस 10, तो ये 10 का होल स्क्वायर या माइनस करो एक ही बात है, प्लस बताइए 2a का वैल्यू कितना? माइनस 10, और s डैश पता चल जाएगा। तो s डैश किसके बराबर हो गया बाबू? 100 अपॉन 20, तो इसका मतलब क्या हो गया? 100 अपॉन 20 ना, 100 अपॉन 20 कितना हो गया? 5, कितना आया? 5 मीटर। s डैश भी तो 5 ही मीटर आ रहा है ना जी, कहीं गलत है क्या? क्या बोला है? डिसेलरेशन बोला है क्या? अच्छा उसके बाद क्वेश्चन में बोला है ना फिर? अच्छा तो एक्सेलरेशन बोला है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन शुरू हो गया है क्या? अच्छा तो एक्सेलरेशन कितना? 1, तो ये प्लस 1 होगा ना, यहाँ के बाद शायद देखो बेल्स आउट करने के बाद एक्सेलरेशन लगने लगा ना, ये कितना रहा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब तो शायद ये हुआ पैराशूट खुला ना, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लेंगे? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे सोचोगे जरा कि यहाँ पे 10 लेना क्यों सही नहीं है, तो पता चला ना फिर मेकानिज्म ना आ गया, एक्सटर्नल मेकानिज्म आ गया ना जी, पैराशूट ओपन हो गया ना, तो एक्सटर्नल मेकानिज्म इसको श्योर कर रहा है, किसको? पैराशूट को इंश्योर कर रहा है कि ये नीचे जो जाएगा वो हमेशा कैसे जाएगा, हर सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना घटाते चले जाना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 1 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी घटाते चले जाना, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया? तो ये यहाँ पे अब देखो ये वाला में अगर चलोगे तो यू डैश कितना हो गया? माइनस 10, और एक्सेलेरेशन कितना? प्लस 1, क्या हो गया? प्लस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस डैश तो वही रहा, तो क्या हो गया? एक्सेलेरेशन की जगह क्या पुट करोगे जी बाबू? प्लस 1, कोई प्रॉब्लम? तो एस डैश किसके बराबर आ गया? 2 हो गया ना, 50 मीटर। ए माइनस साइन बता रहा है कि नीचे जा रहा है ना, तो एस डैश कितना रहा? माइनस 50 मीटर। मतलब की बात अगर करो तो यहां से जब वो फ्री फॉल हुआ तो ये मोशन अंडर फ्री फॉल का केस रहा, मोशन अंडर फ्री फॉल का केस रहा, और ये कितना मीटर रहा? 5 मीटर। अब यहाँ पे मोशन अंडर फ्री फॉल नहीं है, लेकिन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन का केस रहा, यहाँ पे कितना कवर किया वो? 50 मीटर कवर किया। तो वही पूछा है क्वेश्चन में, टोटल कितना कवर करा? तो नेट जो कवर करा, नेट डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो क्या हो गया बाबू? 55 मीटर। समझ आया क्या? लिखिए क्वेश्चन और लिखिए। अ पैराशूटिस्ट
आफ्टर बेलिंग आउट फेल्स 50 मीटर अपराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन। When parachute opens, when parachute opens, it decelerates at, it decelerates at 2 meter per second square, 2 meter per second square. He reaches the ground with a speed of He reaches the ground with a speed of 3 meter per second. At what height did he bail out? At what height did he bail out? चलो क्या था ये? वही क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है जी ना, एक पैराशूटिस्ट बेल्स आउट क्या रहा ना, किस हाइट से करा है पता नहीं है जी, पूरा शायद वही हाइट निकालना है ना, लेकिन इतना पता है कि कितना मीटर कवर करा पहले, इस बार 50 मीटर, 50 मीटर कवर करा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर जो दूसरा एक्शन आया उसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो गया शायद ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक मोशन अंडर फ्री फॉल ना रहा जी, अब उसके बाद क्या हो रहा है, आ रहा हो कुछ वेलोसिटी से, आया आया पिछले केस में वाले प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ था, वेलोसिटी फाइनल जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी क्या बोला है, वी डैश ए 3 मीटर पर सेकेंड है, कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, वो भी कैसा माइनस ना, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि नीचे की ओर टकराएगा ना, खत्म। अब देखो पहले कंसेप्ट में तो क्लियर, कंसेप्ट क्लियर करना था इसलिए उतना टाइम लगा, अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ना, यहाँ पे वेलोसिटी जी, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया बताइए, यू डैश अंडर रूट 2gh, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक बार समझना है केवल, समझ गया तो फिर आराम से बनाइए, 2 × g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू कितना जी बाबू 50, तो साइन एडजस्ट कर ले रहा है, माइनस जी 10 मतलब g का वैल्यू माइनस 10 और h का वैल्यू माइनस 50, माइनस 50 एडजस्ट कर लिया ना, तो कितना हो गया बाबू 10 मीटर पर सेकेंड, अरे यही ना हो गया, इसका मतलब 10√10 हो गया जी, 10√10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे ए वाला एस निकालना है आपको, ये तो निकाल ही सकते हैं ना, अब यह वाला क्या है, ये वाला मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस ना रहा, दिस इज द केस ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बताइए यू डैश कितना, यू डैश कितना है माइनस 10 ना, तो माइनस 10√10 मीटर पर सेकेंड, हालांकि आपको मतलब क्या है यू स्क्वायर से मतलब है, खैर फिर भी बी डैश किसके बराबर रहा, आप माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन किसके बराबर रहा है प्लस, क्योंकि ऊपर की ओर डायरेक्शन है ना, और क्या निकालना है आपको, एसी तो निकालना है, एस डैश क्या निकालना है, एस डैश आप बता सकते हैं ना, आप जो मिसिंग है आप आसानी से यूज कर सकते हैं, कौन सा इक्वेशन यूज होगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, यू स्क्वायर प्लस 2s। आप देखो इस इक्वेशन में वेलोसिटी का कुछ भी डायरेक्शन रहे मैटर नहीं करने वाला है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ भी रहे मैटर नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये सब आपको फ्रिक्वेंटली यूज करने आना चाहिए। वी का वेलोसिटी वी कितना है जी, वी डैश, और ये यू डैश है ना, और ए माने है 2a डैश और एस जो वी एस डैश। चलिए अब बताइए वी डैश कितना रहा इस बार, 3 का होल स्क्वायर, यू डैश कितना रहा बाबू 10√10, मतलब बोल सकते हो ना 10√10 का होल स्क्वायर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2, एक्सेलरेशन किसके बराबर है प्लस 2, और एस निकालना है हम लोग को, समझ में आ रहा है, तो ये बताइए कितना हो गया, बताइए तो जरा, 9 माइनस कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दू ना, 1000 हो गया क्या, अपॉन में डायरेक्ट भी लिख दू क्या, 4 = s डायरेक्ट आ जाएगा ना, एस कितना हो गया बताइए, 1000 - 9 कितना, 991 आया क्या, अपॉन 4 कितना हो गया बताइए, 99 / 4, 4 × 2 = 8, 247 लगभग यही आया,
0.75 मीटर, ठीक है ये रहा। अब टोटल बोला है किस हाइट से बेल आउट करा था, किस हाइट से, ये वाला 50 ऐड हो जाएगा ना, टोटल हाइट फ्रॉम विच पैरासूटिस्ट बेल्स आउट दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, नेट एस, या नेट हाइट बोल दो, नेट हाइट क्या हो जाएगा आप बताइए जरा, 247.75 एंड दैट विल बी एडेड इन व्हाट, प्लस 50। अब देखो कितना आया, कैसे जा रहा था तुम्हारा, 5, ये 7 हो गया ना डेसिमल, 7, 4, 5, 9, और ये क्या हो, 2 ही ना, इतना ही कह रहा है, यही ना आया था, आप लोग कैसे 293 आ गया था, ये 10 है ना, वो तो पेट से 9.8 किसका 9.8 जो लिए हैं वो, हाँ तो ठीक, अब समझ आया ना, कोई बात नहीं, देखो जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे सीखोगे नहीं, चाहे कोई हो, बहुत सारा प्रॉब्लम तो रहता ही है, आप सीखिएगा, कोशिश नहीं कीजिएगा, लड़िएगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं, मतलब ये होता है ना, संकोच करना ही नहीं चाहिए, आप ये सोचोगे, अभी सिंपल सारी बात है ना जी, यहाँ पे आप अगर पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो फिर वही चीज है, अगले साल भी कहीं तैयारी ही करोगे, कुछ होगा नहीं उससे, एकदम लाइफ में स्ट्रेट फॉरवर्ड, और यहाँ रिलेशन मेंटेन नहीं करने आए हैं कि क्या सोचेगा कोई, यहाँ पढ़ने आए हैं, मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ, आपको पढ़ना है, आपको स्वार्थी होना ही पड़ेगा, समझे, लालची बनोगे तभी सीख पाओगे, लोभी होना ही पड़ेगा, अब आकर के बैठे रहो, गार्जियन तो अपना रोल प्ले कर गए, क्या जी सुबह पहुँचा के चले गए, अब पढ़ना मेरा और आपका काम है, मेरा पढ़ाना काम है, आपका पढ़ना काम है, बार बार बोलते थोड़ा सा स्वार्थी बनोगे, चलो ठीक है ना, इस तरह का हो गया ना, अब एक इस तरह का प्रॉब्लम ले लेते हैं इस वाले केस में ना, लिखो तो एक क्वेश्चन और, असाइनमेंट में शायद है लेकिन बहुत सारे लोग नहीं है, 2-3 लोग केवल करते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, लिखिए क्वेश्चन, अ बैलून इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, अ बैलून इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, चलो देखो इस कंसेप्ट पे एक दो न्यूमेरिकल, जैसे देखो इसी कंसेप्ट पे देखना ध्यान, एक बैलून है ग्राउंड पे रखा हुआ है ना बैलून जी, बैलून ग्राउंड पे है मान लेते हैं, तैयार है जाने के लिए, ये बैलून किस स्पीड से जाना चाहता है, किस स्पीड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, अब बैलून ऊपर जा रहा है, बताइए मैकेनिज्म से जा रहा है ना जी, मैकेनिज्म, ये मत सोचना कि यहां लगा देना आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है ना, वो कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो उसको ऊपर ले जा रहा है, जैसे हेलीकॉप्टर है या कुछ उस तरह का है, ये बैलून है तो बैलून जा रहा है ऊपर, समझ आ रहा है, तो किससे जा रहा है वो, 5 मीटर पर सेकेंड से, क्वेश्चन में बोला है कि 10 मीटर पर सेकेंड पे यहां से कुछ ड्रॉप कराया गया है बॉल को, बताओ तो 10 सेकेंड के बाद टी इक्वल टू 0 पे यहां पे है, टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे कहां पे पहुंच जाएगा बताइए जरा, आप खुद बताओ 10 सेकेंड पे कितना दूर पहुंच गया जाएगा ये, हाँ 50 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद कहां पे पहुंचा गए, 50 मीटर के हाइट पे ना, 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है तो 10 सेकेंड में कितना बाबू, तो यहां पे जब बैलून पहुंचा, बैलून ऐसा मैकेनिज्म के साथ जा रहा है, समझ जाना आप लोग, तो यहां पे बैलून जब पहुंचा तो ये हाइट कितना कवर कर लिया होगा बताइए तो, 50 मीटर, क्यों, क्योंकि ये यहां से यहां के बीच एक्सेलरेटेड मोशन रहा क्या, ब्रेन से एक्सेलरेटेड मोशन रहा नहीं ना, एक्सेलेशन तो 0 ना, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाइए तो 80 टर्म गायब ना, 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड चलेगा तो 10 सेकंड में कितना 50 मीटर हाइट कवर कर लेगा ना वो, यहाँ से 50 मीटर हाइट कवर कर लिया, अब यहां से क्या क्या करा गया है, बॉल को ड्रॉप कराया गया है, अब बॉल ड्रॉप कराया है तो अगर बॉल को ड्रॉप कराओगे तो बॉल ड्रॉप थोड़े ही होगा, बॉल ड्रॉप हो रहा है इसका मतलब इसके पास बॉल के पास जितना वेलोसिटी होगा उतना ही वेलोसिटी इसके पास ना होगा जी, तो अभी पैराशूट का वेलोसिटी कितना है आप निकाल सकते हैं ना, पैराशूट का वेलोसिटी पहला केस तो इजी है इसलिए डायरेक्ट 50 मीटर लिख दिया कोई दिक्कत, अब बताओ भी कितना है निकालना है आपको, टाइम कितना, कितने सेकेंड बाद, 10 सेकेंड के बाद, और बताइए अभी बताइए जरा किस एक्सेलेरेशन से जा रहा ऊपर, अरे कोई एक्सेलेरेशन था क्या, नहीं था ना कोई एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन 0 था इसका मतलब, और इनिशियल वेलोसिटी कितना था,
अरे 5 मीटर पर सेकेंड था ना, 5 मीटर पर सेकेंड। इसको इनिशियली बोल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं होना है। समझ में आ रहा है? अब बताइए क्या मिसिंग है, आपको खुद पता है क्या मिसिंग है जी? अब उतना भी एक बार परफेक्ट आ गया, मतलब परफेक्शन की ओर आ गए तो फिर आसानी से बता सकते हो ना। भी कोस टू क्या हो गया, यू प्लस ए टू, तो भी निकल गया यहाँ पे, यू तो जीरो ना। अरे यू जीरो कैसे है बाबू, फाइव ना, फाइव ना। और एक्सेलेशन कितना, जीरो। एक्सेलेशन कितना, जीरो। मतलब ये 5 मीटर पर सेकेंड ही ना रहा, इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे जी सोचने की जरूरत है। तो अब अगर यहाँ पे सोच लिए कि 5 मीटर पर सेकेंड है, इधर ही नहीं जा रहा होगा 5 मीटर पर सेकेंड से जी बाबू, बॉल को ड्रॉप कराओगे तो बॉल को ड्रॉप करा दे, जितना वेलोसिटी इसका होगा उतना ही वेलोसिटी नहीं इसका होगा। ये 5 मीटर पर सेकेंड जा रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड से वो भी बॉल जाएगा, बॉल को ड्रॉप कराया हो तो। समझना रहा है? अब बोलते हैं कि सर इसको निकालने की क्या जरूरत पड़ा, ये इसको नहीं निकालने की यहाँ जरूरत थी, लेकिन अगर कहीं ऐसा दे देता कि इसका एक्सेलेरेशन भी दे देता कुछ, तो उस केस में निकालना पड़ता ना, इसलिए जनरल केस डिस्कस करा गया। कोई दिक्कत? तो आप बताओ ये 5 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे भी जा रहा होगा। अब इसको 5 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे इस बॉल को मोशन के देखो, ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है जी। अब इसका एक्सेलेरेशन कितना, अब तो फ्री फॉल हो गया, मोशन अंडर फ्री फॉल हो गया, इसका एक्सेलेरेशन इधर ही रहा होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा। तो ये यू रहा, बोल सकते हो ना, ये यू डैश कितना रहा, यू डैश जो रहा वो 5 मीटर पर सेकेंड रहा। एक्सेलेरेशन कितना रहा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहा, ठीक है। अभी इस दौरान डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब देखो यहाँ लोग सोचने लगेगा कि पहले ये निकाल लेते हैं कि ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा, अरे उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप जहां पे हो वहीं पे कोऑर्डिनेट सेट कर दो, जहां पे बॉल को ड्रॉप करा वहीं पे कोऑर्डिनेट सेट कर दो, तो एस कितना रहेगा, 50 मीटर ना रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट -50 लेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, -50। यू डैश कितना हो गया बताइए, 5 मीटर पर सेकेंड, क्यों ऊपर ना, याद है ना बिल्डिंग वाला केस जी। यूडस क्या 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलेरेशन कितना -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वीडैस हम लोग को निकालना है, वीडैस हम लोग को निकालना है, मतलब ग्राउंड को स्ट्राइक कितना कर रहा है। इस दौरान डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, -50 मीटर। समझ आया कि नहीं, समझ में नहीं आया अभी तक? अब बताइए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे आप, क्या मिसिंग है इसमें, टी मिसिंग होता है कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, टी मिसिंग होता है तो क्या कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 2s। तो वी डैश यू डैश है जो भी है, समझ जाओगे ना, वी डैश कितना निकालना है शायद ना, वी डैश का होल स्क्वायर, यू डैश कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलेरेशन कितना -10, और डिस्प्लेसमेंट कितना माइनस। कोई दिक्कत? तो वी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 25 प्लस 500 इंटू 2000 हो गया क्या, 1000। तो वी डैश का होल स्क्वायर हुआ तो कितना हो गया, 1025 ना। तो वी डैश कितना हो गया बाबू, 1025 का स्क्वायर रूट, ये लगभग 33 के आसपास आएगा, 32 के आसपास आएगा, 32 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे ये समझ आया आप लोगों को, मतलब बेयर्थ का ज्यादा इक्वेशन यूज नहीं करना। बहुत लोग सोचेगा कि पहले बॉल ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, उस तरह का निकालने का कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहीं पे निकाल लिए, यहीं से सेट कर दो कोऑर्डिनेट, सेट कर दिया कोऑर्डिनेट, पता चला यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर, यू डैश पॉजिटिव ले लिया प्लस 5, ए क्या लिया नीचे की ओर तो माइनस ले लिया, वी डैश कितना होगा वो मुझे पता चल जाएगा खुद ब खुद, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, समझ में आ रहा है कि नहीं, खुद ब खुद पता चल जाएगा। और बताओ बताओ यहाँ पे क्या रहा, एस कितना -50, एस कितना नीचे की ओर ना है, डायरेक्शन यहीं से नहीं रिकॉर्ड कर रहा, इस दौरान डिस्प्लेसमेंट यही ना हुआ है, तो एस कितना ले लिया हमने -50। नहीं समझ आया, बेयर का ज्यादा इक्वेशन यूज नहीं करना है।